उसके लिए मेरे को इतना डांटे हैं, इतना डांटे हैं कि इतना महंगा बाइक को तुम ऐसे इस चीज में यूज करती हो, मतलब इतना मतलब मेरे को खराब लगाना। और ये जब भी ऐसा करते हैं ना गाइस, तो बताओ बाजार में हाट में कितना खराब लगेगा। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो ये ब्लॉग की शूट मैं कर रही हूँ शाम से, शाम हो चुकी है। और आज देखिए मैं ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ। ये मेरी साड़ी 5-6 साल मतलब पुरानी है, बस कहने मात्र की पुरानी है। मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 3 या 4 बार इसको हम पहने ही हैं, मतलब एक तरह से नई ही है। तो मैं ना वेदर का इंतजार कर रही थी कि थोड़ा ठंडी जाए और वेदर अच्छा होने लगे, तो थोड़ा जो जो साड़ियाँ मेरे पास है थोड़ा थोड़ा पहनना स्टार्ट कर दे। तो आज मैंने मेरा मन करा था साड़ी पहनने का, तो मैंने साड़ी पहन लिया है, ये देखिए। और इसका वेट जो है ना, वेट जो इसका वेट है वो बहुत ही लाइट वेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्की है, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि मैं साड़ी पहनी हूँ। मुझे इसी टाइप की साड़ी पसंद आती है, बहुत भारी भरकम साड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन क्या होता है ना कि उसको पहन के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं, वो धरी की धरी ही रह जाती है। और जो हल्की हल्की वेट की साड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा देर तक पहन के रहा जा सकता है, तो इसलिए मुझे हल्की ही साड़ियाँ अच्छी लगती है। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और आद्या जो है ना इधर खेल रही है, इसको जब भी मुझे लिपस्टिक लगाए हुए देखती है ना तो ये मांगने लगती है। तो इसके पापा ना ये बेबी लिप बाम ही है, तो ये लाए हैं इसके लिए, पता नहीं बाम है कि क्या है, कुछ लिप का ही है बेबी वाला, तो इसको देते हैं। तो थोड़ा सा जिद करना छोड़ देती है तो उसी से खेल रही है, नहीं तो फिर बोलती है कि मुझे टीवी दिखा। और बच्चों को कितना टीवी दिखा। और मुझे भूख लग रही है जोर से, क्योंकि अर्ली खाने की आदत सी हो गई है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं, क्योंकि फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं है घर में। इनकी तबीयत भी खराब हो गई है, तो तबीयत भी इनकी थोड़ी सी खराब हो गई है फिर से दोबारा। और ये हुआ है कि इनका काम भी बढ़ गया है, तो इतना आना जाना नहीं हो पा रहा है। एक संडे सैटरडे मिलता है, उसमें भी आज जो सैटरडे का दिन था वो उसमें भी काम था, सुबह से ही लगा हुआ था, 3-4 घंटे का बाथरूम में काम था। जो बाथरूम टूटा हुआ था उसमें सीट कितने दिन से लाके रखा गया था, वो नहीं हो पा रहा था, तो आज उसको लगवाए हैं। तो देखते हैं बाहर ही कुछ खानेंगे, बाहर का वैसे मैं अवॉइड करती हूँ खाने। ठीक हो यार? हाँ हाँ ठीक है, चलना है ना? नहीं मन है तो मत जाइए। नहीं चलना, चलो ठीक रहेगा, तब वीकनेस अच्छा फील होगा ना बाहर थोड़ा हवा लगेगी। चलो तैयार कर लो आद्या को। आद्या रेडी है, बस उसको खिलाना है। क्या कर रहा है बेटा? जिम कर रही हूँ। हाँ। तो गाइस सैटरडे था ना, तो मैं जिम नहीं गई क्योंकि आद्या का स्कूल ऑफ था, तो मैं घर में ही मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ। तब से ये मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही है, उसी को बोल रही है मैं जिम कर रही हूँ। बेटा बर्बाद कर लो फिर ना, मतलब पैसे से आता है। अरे बेटा बाईसी की कमी थी मुझे, अब तक कोई मारा ही नहीं था मुझे। ए गाइस तो हम लोग आ चुके हैं, ये ओमेक्स मॉल है, ये आ गया पानी पूरी। इधर से आ जाइए, पानी पूरी खिला दो भैया। Thank you.
मैं पहना दूं? क्या हुआ पापा, मुझे डर लग रहा है। क्यों? ये रायन, ये तो मम्मा है। आपको मम्मा डांटा था? हाँ, ये मम्मा क्या बन गई? मम्मा मम्मा डायन बन गई, पागल हो गया। पागल? अभी बताती है तू कुछ। ये चपट के मत जा, तुम पागल हो गया। पहला मार के चटनी बना दो। चटनी बना दो तुमको। मम्मा डरा रही है ना? कैसे कर रही है मम्मा, करके देखो। तुमको मार मार के चटनी बना। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बोलो, मैं भी दमड़िया हूँ। मैं जयकाल हूँ, बोल दो। मैं जयकाल। इसकी ना हलवा टाइट हो जाती है, रात में ले जाती हूँ। बोल दो, मैं जयकाल हूँ। अभी अभी साथ में हो ना, तो थोड़ा हिम्मत करके आ रही ना, जिसका हलवा ना पूरा टाइट कर देती हूँ रात में। नहीं मामा, नहीं। बार बार छू छू देखती है कि डायन बन गई। आप क्यों डर गई बेटा? मामा डायन बन गई। हाँ, मामा डायन बनी नहीं है, मामा डायन। मामा डायन, मामा डायन। नहीं नहीं, कुछ कुछ शब्द ना ही बोले जाए तो घर में सुख शांति बन जाए। डायन, डायन। हे गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं और अब 10 बज चुका है रात को। और थोड़ा साध्या को मैं डराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इतना परेशान कर दी है ना मेरे को, कि मैं उसको डरा के थोड़ा मस्ती कर रही थी कि थोड़ा ये भी हंसे और हम लोग भी हंसे। वैसे वो रात में ही डर पाती है मुझसे। गाइज, आज लड़ाई इनसे हो गई। मेरी एक वाइप था ना, जो फेस वाइप होता है आद्या का, तो वोमेंट कर दी ना, तो उस वाइप से मतलब मैं इसका जहाँ जहाँ उल्टी कर दी थी, मैं इसका पैंट वेंट पोछ दी, उसके लिए मेरे को इतना डांटे हैं कि इतना महंगा वाइप को तुम ऐसे इस चीज में यूज करती हो, मतलब इतना मतलब मेरे को खराब लगाना। और ये जब भी ऐसा करते हैं ना गाइस, तो बताओ बाजार में हाट में कितना खराब लगेगा, और वो भी वाइप के लिए। और आज कह रहे हैं कि मतलब, तो आप लोग समझिए कि मतलब वाइप ऐसी छोटी चीज के लिए मुझे ऐसे डांटे हैं। अब इतना इनको बचाने का शौक चढ़ गया है कि मतलब वाइप के लिए मुझको डांटे हैं। सोचिए आप लोग, मैं कितना इनका साथी हूँ, कितना सह के जुल्म सह के मैं रह रही हूँ ऐसे आदमी के साथ। और ये भी खुश हो रही थी, कह रही थी पापा ने मामा को डांटा ना, पापा ने मामा को डांटा ना। हाँ। मजा आया ना? हाँ। आज को दिखाओ। हाँ। बहुत जुल्म हो रहा है मेरे पे, कोई जुल्म का सीमा नहीं। कोई वाइफ के लिए गाइस पत्नी को अपने ऐसे डांटता है? वाइफ ऐसी छोटी, मैं ऐसे इतने सारे वाइफ दे दूंगी ना। चप्पल बस रही है बेटा, गंदी बात। नो, डोंट डू दिस। नो, चप्पल से कोई मारता है? गंदी है बेटा ना। मम्मा को डांटो। डांटो? मम्मा को डांटो। हे, क्यों डांट रहा है मुझको? आद्या को बोलोगी कुछ? स्टॉप। डांटे ना? ये ना और कह के डटवाती है मुझको। गंदी बात है पागला। और ये मम्मा को डांटो, मम्मा को डांटो पापा चप्पल से मारो। ये ना चप्पल से मारो। आज दादा हम अब का करी, चप्पल से मारो। हम चल जाएंगे। कुछ मार दिया देखो का सेटअप। Don't do this. Learn, man.
को अभी। अरे मम्मी बस बस तुम्हें भूत मारूंगी। हाँ हाँ बस शांत शांत बेटा शांत, आजा आजा। अरे बाप रे, अब इसको एक नहीं डांटते हो इसीलिए सहक रही है। व्हाट इज सहक में? चिराप चिराप चिराप। चलिए गाइस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हमारी मस्ती ऐसे चलती रहती है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होना चाहिए और ऐसे चलते रहता है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और कल फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के लिए। बाय 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 बाय, सब करो बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय करो।